गया जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया के रहने वाले संदीप ने यूपीएससी में क्वालिफाई किया है। यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद वह पहली बार अपने गांव डुमरिया पहुंचे, जहां उनके चाहने वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के दौरान वे इमामगंज डुमरिया मोड़ के समीप पहुंचे, जहां उनका क्षेत्रवासियों ने फूलमाला पहनाकर और बुके देकर स्वागत किया। डीजे की धुन में लोग थिरकते नजर आए। इस दौरान उन्होंने डुमरिया मोड़ पर स्थित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उनके साथ में क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। वहीं इस दौरान यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले संदीप कुमार ने कहा कि मैं अपना पहला पेमेंट समाज कल्याण में दान करूंगा। साथ ही वैसे लोगों को कहा कि जो लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें और मेहनत करें ताकि वह भी क्वालिफाई हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं कठिन परिश्रम के बीच अपने लगन मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि मेरी पढ़ाई के पीछे मेरे परिवार वालों पर पूर्ण सहयोग मिला है। आज मैं सफलता के बाद काफी खुश हूं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि हो जाएगा, और अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो सीनियर से बात कीजिए, गाइडेंस लीजिए और एक अच्छा सा निर्णय लीजिए कि आपका एक कैरियर बन सके। क्षेत्र के लिए क्या सहयोग रहेगा आपका? यही मैं जैसे अभी जा रहा हूँ, तो मैं 2-3 स्कूलों में जाऊंगा, वहाँ के बच्चों से बात करूंगा, उनके सपनों के बारे में जानूंगा, और जहाँ पे भी उन लोगों को कुछ डाउट होगा तो मैं उनका मार्गदर्शन करना चाहूंगा। जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, तो मैं चाहूंगा कि मैं उन लोगों के साथ शेयर करूं और उनका मार्गदर्शन कर सकूं। पढ़ाई के दौरान जब आपका विश्वास टूट रहा होगा, तो उस दौरान कौन सा ऐसा मतलब प्रेरणा मिलती थी कि जो आपका बार बार से टूट जा रहा था, आपको शक्ति मिल रही थी, फिर आप पढ़ाई करना शुरू? मैं अपने पिछले अतीत में देखता था कि मैं स्कूल में अच्छा था, मैं कॉलेज में अच्छा गया, मैं IIT बॉम्बे से इंजीनियर हूँ। तो अपने पास्ट के अचीवमेंट को देख के, जो भी मैंने पहले अचीव किया है, वो सब देख के एक हिम्मत मिलती थी कि नहीं, ये भी कर सकते हो, यूपीएससी भी हो सकता है। तो अपने अतीत में जो भी अच्छा काम किया है उसको याद कीजिएगा, तो आपको उन कठिन समय में ना वो उबरने में हेल्प मिलता है। जी, परिचय करें। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैंने यूपीएससी 2022 में 697 रैंक प्राप्त किया। यूपीएससी चाहूंगा कि जो मेरा फर्स्ट सैलरी हो समाज के कल्याण के लिए हो, तो वही मेरा कोशिश रहेगा। ठीक है, पता जी अपना भाई यूपीएससी निकाला है ना, इसी का इसको स्वागत है। हम लोग के सभी का गर्व की बात है कि लेगा अपना मैंने की पोजीशन पर ही आ गया, पढ़ाई कोई अपनाया। क्या क्या तकलीफें आती थी? बहुत तकलीफ आया, पिताजी का साया भी उड़ गया सुनते हैं। ये कब ऐसा हुआ? 2017 में। जी, भावुक नहीं हो? इनको पापा जी रहा, उसके बाद हमारा रहा। आज जिस तरह से स्वागत हो रहा है, आप खुशी मना रही? बहुत खुशी है। कैसा लग रहा है? बहुत खुश है।